हेलो दोस्तों माई सेल्फ संदीप डांगी टीम जुलोजी सीएलसी एल सी सिक्कर सी सिक्कर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज अपन बात करेंगे गुरु नीति के अंदर चैप्टर नंबर एट्थ और नाइन्थ की एट जो अपने पास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग और अपने पास में फूड एनहांसमेंट वगैरह जो अपने पास में नाइन्थ चैप्टर आता है उसके बारे में बात करेंगे तो अगर अपन बात करें सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड तो इसमें अपने पास में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीन क्वेश्चन का तो संक्रमण सामने थे किसके कारण होता है तो एस्केरिस के थ्रू अपने पास में जो डिजीज होगा वो कौन सा होता है अपने पास में सॉरी एस्केरिस डिजीज है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो अपने पास हम क्या है एसकेरिस एसकेरियो है ठीक ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को इंफेक्ट करेगा इसका जो इफेक्टेड ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा यानी कि छोटी हाथ होगा चलो और इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है अपने पास में संक्रमण का जो तरीका होगा वो क्या होगा अपने पास में सीसी -सी फ्लाई ये आती नहीं, तो नहीं, नहीं, तो अपने, पास नहीं अपने पास में इसमें भी नहीं आएगा अपने पास में ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग द एग्स जो अपने मतलब जो अपने पास में कंटेमिनेटेड फूड के अंदर एसकेरिस के एग प्रेजेंट है फूड में वोटर में और वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसके वजह से जो इंफेक्शन होता है और ये अपने पास में एस्केरिस एस्केरिस डिजीज होगा इटिंग इम्परफेक्टली पोर्क से पकाए गए सोर्य के मांस के खाने के कारण ये भी नहीं होगा और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट ये रहेगा कि अपने को भोजन या जो भी अपन वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह लेते हैं उनको पहले क्या करना चाहिए बॉईल करना चाहिए ताकि हाई टेम्परेचर की वजह से ये क्या हो जाए अपने पास में किल हो जाए इसलिए इसके अंदर जो अपने पास में आंसर हो जाएगा फर्स्ट में थर्ड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्टिव फॉरम ऑफ एंटेबा हिस्टोलाइटिका फीड सपोर्ट एंटेबा हिस्टोलिटिका का सक्रिय रूप किस विकास किस है? पर भरण पोषण करता है में बात अपने पास जो डिजीज करेगा वो कौन सा होगा वो होगा अपने पास में अमीबेसिस होगा अमीबेसिस और हिस्टो का मीन क्या होगा अपने पास में टिश्यू और लाइटिका का मीन होगा अपने पास में ब्रेक डाउन करना यानी कि टिश्यू को क्या करेगा यह ब्रेकडाउन करेगा तोड़ेगा टिश्यू को

में अपने पास क्या-क्या प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं <coughs> उसके अलावा तो क्या करेगा इस म्यूकोसा और को तोड़ने का काम करेगा ब्रेक डाउन करेगा इनको खाएगा वो वैसे न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करेगा जिसके वजह ब्लड वेसल्स भी क्या होगी अपने कट होंगी और ब्लड वेसल में क्या होती है आरबीसी प्रेजेंट होती है यानी कि को भी को क्या करेगा वो इफेक्ट करेगा तो ब्लड ओनली रॉन्ग हो गया केवल के अपने कोलोन वाले पार्ट को क्या करेगा इफेक्ट करता है ये अपने पास में मेजरली तो इसमें आंसर जाएगा अपने पास में सेकंड में सेकंड आंसर जाएगा फॉलोइंग एंडोपेरासाइट ऑफ व्यूम शो विविपेरिटी मानव के निम्नलिखित अंतर परजीवियों में निम्न निम में से कौन सा सजीव प्रदकता प्रदर्शित करता है मतलब जो अपने वो अपने क्या कहेंगे <सलियन्याग> तो बात करेंगे अपने पास में एंडोपेरासाइट ऑफ वुमन वुमन का जो एंडोपेरास मतलब अपने पास में बॉडी के इनर साइड में रहेगा पैरासाइट आर टू टाइप्स

ट्राइकिनिस ये अपने पास में क्या होता है ये वीवी पेरस होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सिमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक ग्रसित एक ग्रस्त नर के वीर्य के द्वारा संप्रेषित नहीं होता है इबोला वायरस अपने पास में क्या होगा सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है हेपेटाइटिस बी और एच आई वायरस इनके अपने पास मोड ऑफ इंफेक्शन संक्रमण के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं दोनों के सेम ही होते हैं चिकनगुनिया वायरस ये जो होगा अपने पास में ये चिकवी वायरस की वजह से होता है अपने पास में चिकवी वायरस की वजह से होगा और ये अपने पास में जनरली अगर, अगर अपन देखें यह ड्रोपेट्स वगैरह के थ्रू क्या होता है स्प्रेड होता है तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया इसके अंदर सॉरी राइट हो गया इसके अंदर नो ट्रांसफर्ड

तो अपन बात करेंगे टाइफाइड इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो क्या होगा अपने पास में सालमोनेला टाइफी होगा सालमोनेला टाइफी जो अपने अपने कि अपने पास में क्या है बैक्टीरिया है जबकि स्मॉल पॉक्स अपने पास में क्या होगा इसका होगा वेरियोला वायरस होगा वेरियोला वायरस जबकि आप इसमें पूछा गया बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया टिटनस एंड मम्स मम्स भी अपने पास में कौन सा डिजीज है वायरल डिजीज है अपने पास में कौन सा बैक्टीरियल डिजीज होगा ये भी वायरल डिजीज होगा वायरस के थ्रू होने वाला डिजीज होगा इन्फ्लुएंजा चलो कोलेरा एंड टिटनेस ये अपने पास में वीब्रियो कैलोरी के थ्रू होगा और ये अपने पास में कौन सा डिजीज होगा बैक्टीरियल डिजीज होगा टिटनेस होगा वो अपने पास में किसके थ्रू होगा अपने पास में कलोस्ट्रीडियम टिटनी के थ्रू होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी याद रखना एक होता है अपने में disease एक होगा अपने में डिजीज होता है और इसके अंदर अपने पास में क्या होगा परमानेंट मसल्स के अंदर कॉन्टेक्शन हो जाता है परमानेंट और इसका अपने पास में कोई इलाज नहीं है इसलिए अपने पास में कैसा होगा ये इरिवर्सिबल डिजीज होगा रिवर्सिबल डिजीज होगा यानी कि अनुत्क्रमणीय रोग होगा एक बार अगर हो गया तो उसके बाद में इसका कोई अपने तो पास ट्रीटमेंट नहीं होगा तो जाएगा इसके Seven, चलो, किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोग रोग के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकालिक शोध उत्पन्न होता है चिरकाली या फिर अपने पास में यहां पे वर्ड है क्रोनिक तो ये इसका मतलब होता है अपने पास में फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए फॉर लॉन्ग टाइम चलो चिरकाली का मतलब होगा अपने पास में लंबे समय के लिए आपको याद होगा एक अपने पास में रिंग वर्म होता है इसके लिए अपने पास में किसी भी टाइप के वेक्टर के अंदर अपने पास में मॉस्किटो की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया अमीबेसिस चलो

और उन लिम्फेटिक वेसल्स में अपने पास में आ जाएगी सूजन आ जाती है चिरकालिक कि चिरकालिकोथ्लामेशन आ जाएगी क्रोनिक इनफ्लामेशन हो जाती है चलो इसका जो अपने पास में वेक्टर होता है वो अपने पास में क्या होगा फीमेल यानी कि मादा क्यूलेक्स क्यूलेक्स मोस्किटो चलो <coughs> तो इसमें आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा फोर्थ आंसर जाएगा इसमें <coughs> चलो और इसके अंदर आपको याद रखना वाला पॉइंट ये है कि जो अपने पास में एलिफेंटेस डिजीज होगा वो कैसा होगा अपने पास में स्लो डेवलपिंग स्लो डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी कि धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक श्रोत कहते हैं इसको अपन लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर अपने जाएगा फोर्थ आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन में क्वेश्चन नंबर एट करेक्ट पेर positive agent एजेंट ऑफ fever and एंड confirmatory टेस्ट फॉर टाइफाइड निम्नलिखित में से कौन सा उस संयुगम को चुनिए जो टाइफाइड जबर के कारण और टाइफाइड के पुष्टि प्रेक्षण को निरूपित करता है तो टाइफाइड जो होगा अपने भाषा में किसके थ्रो होता है अपने पास में सालमोल टाइसी जो अपने भाषा में कैसा है कि? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा चलो एंथ्रोन टेस्ट ये इसका नहीं होगा अपने पास में

लेकिन जब अपने पास में ये ह्यूमंस के अंदर एंटर करेगा तो किस स्टेज में आएगा अपने पास में ये जब एक इंफेक्टेड फीमेल एनफ्लीज होगी उसकी जो अपने पास में सलाइवा होती है उस सलाइवा में अपने पास में एक स्टेज प्रेजेंट होती है प्लाज्मोडियम की जिसे अपन क्या कह देते हैं स्पोरोज़ोइट्स कहेंगे ये स्पोरोज़ोइट्स अपने पास में किसके अंदर आएगी जब फीमेल एनफ्लीज ब्लड को शक करेगी रक्त चूसेगी

एक वर्ड आता है अपने पास में गेमिटोसाइट्स गेमिटोसाइट्स आएगा इसे अपने कहते हैं युग्मक जनक कहते हैं ये गेमिटोसाइट अपने पास में इन्फेक्टिव स्टेज होती है किसके लिए अपने पास में फीमेल एनोफ्लिज के लिए होती है अपने पास में एनोफ्लिज चलो तो इसमें जाएगा अपने पास फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन

बैंक्रोफ्टुचे मेला ही है तो इसमें आ जाएगा अपने पास में फर्स्ट आ जाएगा तो थ्री फोर फर्स्ट थ्री फोर फर्स्ट और डी में अपने पास में मलेरिया प्लाज्मोटीम के थ्रू होता ही है तो इसमें आंसर जाएगा अपने पास में टेंथ में फोर्थ जाएगा <laughs> क्वेश्चन नंबर इलेवन तो देखो दोस्तों अपने पास में ये जो क्वेश्चन आए हुए अपने पास में पॉजिटिव एजेंट और अपने पास में डिजीज का नाम ये अपने पास में नीट 2020 में भी आया था

और एक किसके थ्रो होगा एंटेबाइस बीमे फोर्थ हो गया न्यूमोनिया हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसमें आ गया अपने पास फर्स्ट आ गया वो ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम एपिड्रमोफाइटोन इनके थ्रो होगा तो इसमें कौन सा हो गया सेकंड हो गया तो थ्री फोर फर्स्ट सेकंड थ्री फोर फर्स्ट सेकंड तो इसमें कौन सा जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है

और जो एम आई एच आई HM में होगा वो अपने पास में क्या होगा बी ठीक चलो दोस्तों उसके हम बात करेंगे, अभी अपने पढ़ेंगे, काफी इंपोर्टेंट है कि टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में अपने पास में कई बार होता क्या है अपने पास में अपने देखते भी हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हर किसी की बॉडी में हो नहीं पाता है बॉडी उसको क्या कर देती है रिजेक्ट कर देती है

if you suspect major deficiency of antibodies in person यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षकों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं मतलब एक अपने पास में पर्सन है जनरली उसके अंदर एंटीबॉडी की क्या होगी डेफिशिएंसी होगी मतलब उसके अंदर जो अपने पास में इम्यून सिस्टम होगा वीक हो गया क्योंकि एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होगा हो तभी अपने पास में क्या होगा इम्यून पावर अपने पास में क्या होगा स्ट्रांग होगा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस तो आप पुष्टि के लिए में से प्रमाण प्राप्त करेंगे तो एंटीबॉडी अपने पास में कितने टाइप की होती है पांच टाइप की होती है आपको याद होगा IgA, IgM, IgE, IgD ई डी और एक होते हैं अपने पास में IgG। जी चलो तो आईजी का मीन क्या होगा अपने पास में आईजी का मीन होता है अपने पास में इम्यूनो

कि उसको अपन लाइफ टाइम क्या करेंगे लाइफ टाइम देंगे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देंगे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स मतलब अपने पास में प्रतिरक्षा संदमक औषधियों का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर अगर हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो हार्मोन कौन सा होगा कोर्टिसोल हार्मोन होगा और एक अपने पास में ड्रग्स आती है इसका नाम क्या होगा अपने पास में साइक्लो

चलो ये जो अपने में आई ए होती है इसके बारे में सुनो आई जी एंटीबॉडी अपने क्या होती है बाहर से बनी बनाई बच्चे को मिलती है इसलिए अपने पास में किसका एग्जाम्पल होता है ये पेसिव पेसिव नेचुरल नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होगा हिंदी में बोलना चाहे तो क्या होगा अपने पास में निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा का क्या होगा अपने पास में उदाहरण होता है आईजीजी एंटीबॉडी अपने पास में वो एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्या कर सकती है अपने पास में क्रॉस कर सकती है अपरा को क्रॉस कर सकती है और इसके अंदर भी अपने पास में क्या होगा जो फिटनेस होगा उसको एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा इसलिए इसको भी बाहर से बनी बनाई मिलेगी इसलिए अपने पास में क्या होगा पेसिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है तो बच्चे में सबसे पहले जो बनने वाली एंटी सॉरी जो सबसे पहले एंटीबॉडी मिलेगी वो कौन सी मिलती है आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी मिलेगी मिलेगी और आईजीएम के बारे में अगर अपन बात करेंगे ये अपने पास में फर्स्ट सिंथेसाइज एंटीबॉडी होती है फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी होती है मतलब अपने पास में इंफेक्शन के टाइम पे सबसे पहले अगर कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा वो कौन सी होगी आईजीएम टाइप की होती है रीज़न क्या, क्या? होती है इसकी साइज़ क्या है? है, होती है लार्ज होती है क्या कहते हैं पेंटामर कहते हैं पेंटामर यानी कि एच टेन और एल टेन जो स्ट्रक्चर होती हैं अपने पास में थोड़ी इस टाइप से होती है आप ये पेंटामर वाला पॉइंट याद करें ना इंपोर्टेंट ये

फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट ये दो बार पहले क्वेश्चन आ गया और ये तीसरे बार आ रहा है दो में से कौन सा प्रतिरक्षा अनुक्रिया व्रक निरूपण के नकार जाने के लिए उत्तरदायी होगा तो वो ये अगर मानो किडनी अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है सॉरी अपनी बॉडी है वो बाहर से कोई किडनी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है तो उसका रीजन अपने पास समय कौन होगा सेल इमीडिएट इम्यून रेस्पॉन्सम आई चलो तो इसमें ऑप्शन जाएगा अपने से सेकेंड जाएगा 18 colostrum the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential for immunity to the newborn infants because it contains <coughs> 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 दुग्ध स्रावण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें होती है तो इसमें क्या होगी अपने पास में IgA होगी इसके अंदर चलो ये देखो अपने पास में मैक्रोफेज नेचुरल और मोनोसाइट ये तीनों अपने पास में किसका एग्जाम्पल है ये है इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है ये अपने पास में जबकि आईजी इम्यूनोग्लोबिन पास में किसका एग्जाम्पल है वो अपने पास में है का चलो तो इसमें ऑप्शन जाएगा अपने पास में सेकंड जाएगा इसके अंदर 18 में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था इसके लिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड चलो इसके बारे में देखो अगर अपन बात करेंगे इसमें अपने पास में कौन से ऑप्शन जाएंगे ये 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन अपने पास में चलो सेलुलर <coughs> बैरियर जो अपने पास में कोशिक है अवरोध होगा उसके अंदर अपने पास में क्या आएगा इंटरफेरोन आएगा सेलुलर so, बेरियर में अगर अपन देखेंगे तो इसमें अपने पास में न्यूट्रोफ़िल्स आ गया, ठीक वायरस संक्रमित कोशिका से क्या होगा इसका श्रावण होगा इंटरफेरोन का प्रोटीन होता है और ये नेबरिंग सेल्स होती है उसको वायरस के इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आएगी उसको या आप याद रखना इंटरफेर को और इसके बारे में एक पॉइंट और भी अपने पास में ये क्या होगा अपने पास में स्पेसीज स्पेसिफिक होगा स्पीसीज स्पेसिफिक बट नोट वायरल स्पेसिफिक या वायरस स्पेसिफिक ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर मतलब अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक का मतलब ये होगा जिसे एक लेते हैं डॉग एंड और, और ह्यूमन तो ह्यूमन जितने भी होंगे, उन सब के अंदर अपने में के के होंगे। जितने भी ह्यूमन के अंदर तो क्योंकि लेकिन जो अपने जैसे दूसरा जो अपने में केट है। उसके अंदर भी इंटरफेर होंगे तो सही लेकिन वो उसी स्पीसीज में प्रेजेंट होंगे प्रेजेंट रहेंगे और एक मैंने बात की डॉग के बारे में तो डॉग के अंदर लेकिन अपने इस के नंबर या टाइप सेम लेकिन कैट और ह्यूमन के अंदर अपने पास में सेम नहीं होंगे तो वो क्या होगा अपने पास में स्पीसीज स्पेसिफिक हो गया बट नॉट वायरस स्पेसिफिक मतलब वायरस बॉडी के अंदर कैसे भी आएगा अपने पास में इंटरफेर का सिक्रेशन हमेशा होगा ही होगा इसलिए अपने पास में नोट वायरस स्पेसिफिक होगा तो ए में अपने पास में क्या हो गया थर्ड हो, हो, हो गया तो थर्ड और फर्स्ट हो गया लोग तो म्यूकस लो। आ जाते हैं दो ही एग्जाम्पल इसके म्यूकस और स्किन और फिजियोलॉजिकल बेरियर का एग्जाम्पल होगा एस एल इन गैस्ट्रिक जूस यानी कि जटरस में एस एल और एक होता है अपने पास में लार में या सलाइवा में लाइसो तो डी में कौन सा हो जाएगा अपने पास पास में में तो से में 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 हो जाएगा जाएगा तो एक मैं आपको के बारे में बातें बताता हूं थोड़ी सी सुनो। जो होगा, होगा। इसको याद रखना ये अपने क्या होता है एंटी हो मतलब केवल और केवल अपने पास में में को ही क्या करेगा करेगा। ये किल तो 19 में टू ट्वेंटी सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्वाइड इम्यूनिटी

अब इस ये अपने पास में एक्वाइड इम्यूनिटी होते हैं वो भी अपने पास में कितने टाइप के होते हैं दो टाइप की होगी एक तो होता है अपने पास में कौन सा होगा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है यानी कि प्राथमिक प्रतिक्रिया उत्तरदायी इम्यून रेस्पॉन्स और एक होगा अपने पास में सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इसी का दूसरा नाम होगा अपने पास में एनेमनिस्टिक एनेमनिस्टिक नाम, नाम होता है इसका हिंदी में कहते हैं इसको लोग पूर्ववर्तीय कहते थे चलो आई जी एम का जो प्रोडक्शन होगा वो अपने पास में क्या होगा ज्यादा होगा किसी कंपेरिजन में आई जी के कंपेरिजन में लेकिन अगर वही एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर बार बार आ रहा है वो ही पैथोजन तो उसके लिए पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और अपना इम्यून क्या होगा? होगा, होगा? होगा। फास्टली रिएक्ट रिएक्ट करेगा करेगा। उसके लिए, इसलिए अपने पास में 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 जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन किसका आईजीजी का आईजीएम के ज़्यादा होता है। चलो तो उसी रोगजनक से दोबारा सामना होने पर पूर्व अनुक्रिया होती है तो राइट right पूछा है क्योंकि अपने पास में क्या होता है जो एडमिनिस्ट्रिक रेस्पॉन्स होगा मैंने आपको बताया सेकेंडरी इम्यून को ही कहते हैं तो जब एंटीजन बार बार अपनी बॉडी के अंदर आएगा तो उसके लिए पहले से क्या बनी रहेंगे पास में और उस एंटीजन के लिए जो अपने पास में मेमोरी सेल होती हैं वो क्या करेंगी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती हैं एंटीजन से रिलेटेड को तो ये भी अपने पास में क्या है राइट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक ये नहीं आएगा अपने में। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित नहीं आएगा विशिष्ट आएगा अभी बताया था मैंने आपको ये अपने बास में क्या होती है विशिष्ट होती है तो थर्ड क्या हो गया फर्स्ट टाइम यानी कि जब हमारे शरीर की पहली बार किसी रोग के सामने होते हैं तो प्राथमिक नुक्रिया उत्पन्न होती है चलो दोस्तों अपने राइट है ट्वेंटी वन

वैक्सीनेशन एंड इम्यून इम्यूनाइजेशन इसके अपने पास में कुल क्वेश्चन कितने आए हुए हैं तीन क्वेश्चन बताए हुए हैं चलो देखते हैं मैच डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन प्रत्येक रोग के साथ उसके सही प्रकार के वैक्सीन को मिलाइए अगर अपन बात करेंगे इसके लिए तो देखो ट्यूबरक्लोसिस तो ट्यूबर क्लोसिस होगा अपने पास वो क्या होगा बैक्टीरिया को जब अपन हार्मलेस कर देंगे तब बॉडी के अंदर जो एंटर करेगा उसे अपन क्या कह देते हैं चलो अब इसके बारे में सुनो थोड़ी सी कहानी कि बैक्टीरिया को जब हम क्या करवाएंगे उसको हार्मलेस करके बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे तो वो तो वो एंटीजन के के जैसे बेहो करेगा और अपनी बॉडी अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा लेकिन उसके सिम्टम्स कभी भी नहीं आएंगे अब वो ही अपने पास में ट्यूबरक्लोसिस बार बार आएगा तो क्या होगा अपने पास में उसके लिए पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट उसको क्या कर देगी वो किल कर देती है ये अपने पास में वैक्सीनेशन का क्या है अपने पास में कंसेप्ट है कुकुर खांसी जिसे अपने कहते हैं कफ कहते हैं तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे। एक जगह किल्ड बैक्टीरिया होगा डिप्थीरिया में, हो में क्या हो हो एक जिसे अपने क्या कहते हैं टोक्सोइड कहते हैं वैसे टोक्सोइड्स यानी उसके जो अपने पॉइजनस सब्सटेंस होगा जब उसको इनएक्टिव कर देते हैं तब उसे अपन क्या कहेंगे टोक्सोइड्स कहते हैं चलो तो ए फोर्थ हो गया B में अपने पास में थर्ड हो गया सी में फ, सेकंड हो गया पोलियो अपने पास में क्या होगा वायरस के थ्रू होगा तो यहां पे हार्मलेस वायरस को बॉडी के अंदर एंटर करवा देते हैं तो इसमें अपने पास में आंसर हो जाएगा A में ए फोर B में थर्ड सी में सेकंड डी में फर्स्ट समझ आएगा फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें ट्वेंटी थ्री एंटीबेनम इंजेक्शन

ंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इम्यूनिटी प्रत्यक्षा के संदर्भ में गलत कथन का पहचानिएटिव इम्यूनिटी <coughs> चलो सक्रिय प्रतिरक्षा जल्द होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है अपने क्या हो गया राइट right है अपने स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है चलो फिटनेस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेसिव इम्यूनिटी चलो मदरबास मतलब में ब्रूण से भ्रूण जो होता है वो माता के प्लेसेंटा के थ्रू कुछ अपने पास में एंटीबॉडी रिसीव करेगा जैसे आईजी ए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा पेशू का एग्जाम्पल होगा और एक्टिव इम्यूनिटी क्यू कैन डे गिवज फुल रेस्पॉन्स चलो और देखते हैं इसके अंदर व्हेन एक्सपोज्ड टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी जब परपोषी का शरीर जीवित अथवा मर्थ प्रतिजन के संपर्क में आता है तो उसके शरीर के प्रत्रिक्षु, प्रत्रिक्षु इसे अपने सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं तो इम्यूनिटी दो टाइप की होगी एक तो अपने बारे में एक्टिव होगी और एक कौन हो सी होगी पैसिव होगी तो एक्टिव कब होगी जब हम क्या करेंगे बाहर से किसी एंटीजन को बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे और अपनी बॉडी खुद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है और बनी बनाई एंटीबॉडी मिल जाएगी वो कौन सी हो जाएगी पैसिव हो जाएगी तो जो एक्टिव होती है अपने पास पास में वो पास में वो अपने क्या होती है स्लो होती है स्लो प्लस लॉन्ग टाइम के लिए होगी जबकि अपने हो पास में क्या होगी शॉर्ट होती है और अपने पास में फास्ट होती है रेपिडली होती है अपने पास में तो इसके अंदर ये भी ऑप्शन अपने पास में क्या होगा सही होगा थर्ड ऑप्शन भी वेन

तो उच्चतर के सेरुकियों में प्रत्यक्ष तंत्र सौ कोशिकाओं और गैर कोशिकाओं में भेद कर सकता है यदि तंत्र का अनुवां असामान्य कारण यह गुण नष्ट हो जाता है <coughs> यानी कि जेनेटिकली अपने पास में कुछ कंडीशन आ जाते जिसकी वजह से यह प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है <coughs> तो वह सब कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हुए इससे परिणाम स्वरूप क्या होगा इसे अपन क्या कह देते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा अपने पास में ये एलर्जिक रेस्पॉन्स भी नहीं होता है कौन सा जाएगा अपने पास में सेकंड जाएगा

तो अटैक करती है क्योंकि अपने पास में किसका एग्जाम्पल ये ऑटोम डिजीज का एग्जाम्पल है तो इसके अंदर क्या होगा ये स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग अपने पास में तो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट गलत हो गया तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट इसमेंट सेक्ट तो इसमें जाएगा अपने पास में सेकेंड ऑप्शन जाएगा ट्वेंटी एट माल्ट म्यूकोइड एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये अपने पास में कहा प्रेजेंट होगा जीआईटी में गैस्ट्रो इंटेस्टल ट्रैक्ट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और एक अपने पास में कहा प्रेजेंट होगा ये यूरिनो यूरोजेनेटल ट्रैक्ट में ट्रैक्ट GID का मतलब जटरात्री पथ सौसन पथ और अपने पथ में प्रजेंट होगा।, ये होगा जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या करेगा ये? ट्रेप करेगा, पकड़ेगा और उसके बाद में क्या कर देती है। ये कितना पार्ट का फॉर्मेशन करेगा 50 परसेंट पार्ट का क्या करेगा ये फॉर्मेशन करेगा चलो तो फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें एड्स अपने में कितने क्वेश्चन आए उनके बारे में बात करेंगे संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्राय दिखाई देते हैं तो सबसे पहले अपने में क्या करेगा वो, में में वो, में में वो, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा वायरल डीएनए कहते हैं जिसके ऊपर लोग ये होस्ट के डीएनए के साथ में क्या होगा अटैच होगा और उसके बाद में अपने पास नंबर क्या करेगा इंक्रीज करेगा नंबर इंक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा ये टी हेल्पर सेल पे अटैक करेगा टी हेल्पर सेल होते अपने पास में वो प्लाज्मा बी सेल्स होती हैं उनको एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगी मैसेज को ट्रांसफर करती हैं हेल्पर मतलब अपने पास में सहायता करने वाली सेल होती हैं ये और जब अपने पास में इनसे बाहर निकलेगा तब भी अपने पास में क्या आते हैं इसके सिम्टम्स आएंगे अपने पास में सिम्टम्स चलो

when hiv damages large number of helper t lymphocyte ये अपने पास में क्या होगा थर्ड ऑप्शन आएगा जब अपने पास में विशाल संख्या में हेल्पर टी लिंफोसाइट की संख्या में कमी आएगी तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एंटीबॉडी के अंदर क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी हो जाएगी कमी आ जाएगी इसलिए इसका नाम क्या अपने पास में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी when the viral dna is produced by reverse transcriptase ये रॉन्ग हो गया अपने पास में ये तो स्टेटमेंट वैसे भी गलती हो गया वायरल डीएनए अपने पास द्वारा बेन उत्पन्न होता है ये गलत हो गया अपने पास में तो समझ आएगा अपने पास में थर्ड ऑप्शन जाएगा दोस्तों ट्वेंटी नाइन में क्वेश्चन नंबर थर्टी एच आई वी कोज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रोइंग तो एच में अपने पास में क्या होगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती हैं। जिनमें अपने पास में क्या होगा टी लिम्फोसाइट होती हैं, सी डी फोर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इसलिए वहां पे वो क्या करेगा अटैक करेगा तो थर्टी में फोर्थ तो हो गया थर्टी वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट चलो

33 ड्रग्स कोल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज बाई हीरोइन नामक ड्रग्स से कैसे संश्लेषित की जाएगी जब अपन क्या करवाएंगे मोरफिन का एसिटिलाइजेशन करवाएंगे तभी से अपन क्या कह देंगे हीरोइन कह देते हैं और इसके बारे में अगर अपन बात करेंगे ये बॉडी के फंक्शन को क्या कर देगा स्लो कर देगा ये है ना डिप्रेशेंट की जैसे काम करता है ये तो इसे मिल जाएगा फोर्थ जाएगा 34. फोर होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑप्टेंड

एग्जाम्पल है यानी कि जब अपने पास में ब्रिड तो अपने पास में क्या होगी अलग अलग होती है ब्रिड डिफरेंट होती है डिफरेंट ब्रिड लेकिन स्पीसीज क्या होगी अपने पास में सेम होती है चलो

मतलब सुपीरियर जो अपने पास में बुल होगा अपने पास में सर्वश्रेष्ठ जो अपने पास में बुल होता है उसका बाहर से अपन सिमन लाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं उसका और इस इस पमिया सिमन को अपने क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या करेंगे स्टोर करते हैं फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर टू सरोगेट मदर एट ए टू थर्टी सेल स्टेज निशेचित अंडे

करने के लिए भी अपने क्या है? सही है तो इसके अंदर अपने एक ही गलत है तो कौन सा फर्स्ट वाला है इसमें